अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं जुलेखा अरफा, जुलेखास किचन से। तो चलिए आज रमजान की स्पेशल झटपट बनाते हैं चिकन चीज रोल्स। बहुत ही मजेदार बनते हैं, घर पर आसानी से हाजिर मसालों से झटपट बन जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश आज की शुरू करते हैं। चलिए, ये है 200 ग्राम चिकन बोनलेस। ये पकी हुई है, छोटे छोटे पीस कर लिए थे मैंने। थोड़ा पानी डाल के, नमक डाल के, एक छोटे छोटे चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था और इसे अच्छा बॉईल कर लिया। एक से दो टेबलस्पून जितना सिर्फ पानी रहा ना, तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया। ठंडा होने पे यहाँ पर मैंने यहाँ श्रेड कर लिया। ये दो मीडियम साइज के बॉईल करे हुए आलू हैं। इसे भी मैं वही बर्तन के अंदर आप देख सकते हैं थोड़ा सा चला के डाल देती हूँ, सो दैट जो भी अदरक लहसुन का पेस्ट लगा हुआ हो वो सारा उसमें आ जाए। अब इसे साइड पर रख दीजिए। अब एक फ्राई पैन के अंदर थोड़ा सा मक्खन डाल दीजिए, एक डेढ़ टेबल स्पून जितना। मैं थोड़ा सा मक्खन डाल रही हूँ और थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ। आप चाहें तो सिर्फ मक्खन भी डाल सकते हैं। इसमें आधा छोटे छोटे चम्मच कुटा हुआ लहसुन डालकर इसे फास्ट आँच पर फ्राई करें आधे एक मिनट के लिए। जब आधा एक मिनट हो जाए तो चूल्हा कर दीजिए स्लो आँच। उसमें डाल दीजिए 1/4 छोटे छोटे चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटे छोटे चम्मच धनिया पाउडर, एक छोटे छोटे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटे छोटे चम्मच भुना और पीसा हुआ जीरा पाउडर, आधा छोटे छोटे चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, ज़्यादा मत डालिएगा, हल्का सा ही डालिएगा, बाद में आप एडजस्ट कर सकते हैं। मिक्स कर लीजिए स्लो आंच पर, आधे मिनट तक इसे भून लीजिए। ये मसाले को ज़्यादा जले ना, बस आधे मिनट तक ही भूनिएगा। और ये जो चिकन डाल दीजिए और आलू भी डाल दीजिए मैश कर कर, और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आधे एक मिनट तक इसे अच्छे से आलूओं को और चिकन को ये मसाले में बार बार चलाते हुए पका लें। तब तक पकाएं जब तक ये जो पूरी तरीके से मैश नहीं हो जाते आलू और ये जो पूरा मसाला इनमें भून नहीं जाता, मसाला पूरा, मसाले का टेस्ट इसमें नहीं आ जाता। तब तक इसे आधे एक मिनट तक भून लीजिए। जब पूरा मैश हो जाए तो इसमें डाल दीजिए खूब सारी बारीक कटी हुई कोथमीर यानी कि हरा धनिया, और उसे उसी समय एक बाउल या एक प्लेट में निकाल लीजिए। हल्का ठंडा हो जाए तो हाथों की मदद से इस तरीके से मैश करने की ज़रूरत लगे तो मैश कीजिएगा, हल्की गुठलियाँ रहें तो ही मैश कीजिएगा। यहाँ पर साइड पर आप देख सकते हैं लंबी लंबी चीज़ की मैंने स्ट्रिप्स तक बना ली है। बहुत मोटी नहीं बनाई है, आप मोटी चाहें तो बना सकते हैं, पतली पतली रखिएगा बेटर रहेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा तेल लीजिए, हाथों पर लगाइए और एक छोटा सा पोर्शन लीजिए। बहुत बड़े बड़े मत बनाइएगा क्योंकि हमें ब्रेड में भी भरना है इसे। अब इसका एक छोटा सा पोर्शन लीजिए, इस तरीके से हाथों की मदद से चपटा कीजिए और लंबा करते जाइए और पतला करिए, और बीच में ये जो हमारी चीज़ की स्टिक है ये रख दीजिए और इसे कबाब का शेप दे दीजिए। चारों ओर से इसे इस तरीके से सील कर दीजिए। अच्छा, अब ब्रेड में लगाकर देख लीजिए कि आपकी साइज़ बराबर है कि नहीं, लेकिन आप देख सकते हैं मेरी थोड़ी सी मोटी हुई है। तो अब मैं नेक्स्ट वाले क्या कर रही हूँ, और पतली बना रही हूँ। तो प्रोसीजर वही रहेगा, थोड़ा लंबा चपटा करते जाइए और बीच में ये स्टिक रखिए चीज़ की, और इसे आप इस तरीके से कबाब में बनाते जाइए। थोड़ा पतला बनाइएगा कबाब और बीच में स्टिक रखनी है अपने चीज़ की, तो उस हिसाब से पतला ही, क्योंकि इसे रोल भी करना है हमें अभी ब्रेड के अंदर। तो ये वाली साइज परफेक्ट है, वो पतली वाली साइज के हिसाब से मैंने सारे बना लिए हैं। अब ब्रेड के जो कट्ठे हैं वो सारे निकाल लीजिए, मतलब एजेस, और इसे बेलन की मदद से अच्छे से रोल कर लीजिए इस तरीके से, तो और थोड़े चपटे हो जाएंगे। इसी तरीके से सारों को बेल लीजिए और साइड पर रखते जाइए। अब ब्रेड लीजिए, इसके बीच में इस तरीके से आप हमारी कबाब रख दीजिए, रोल कीजिए, और साइड को, एजेस को आप चाहे तो पानी से सील कर सकते हैं, या फिर मैंने तो क्या किया, ये बना लिया पेस्ट। आटा कुछ नहीं लिया, आटे को थोड़ा सा लिया, उसके अंदर थोड़ा पानी डाला और उसे एक मीडियम टाइप घोल बना लिया, मीडियम कंसिस्टेंसी का, बस उसी को मैं लगाते जा रही हूँ। साइड्स को हम पैक नहीं कर रहे हैं जैसे आप देख रहे हैं, सिर्फ मैं साइड्स, लॉन्ग साइड्स को पैक कर रही हूँ, छोटी एजेस को पैक नहीं कर रही हूँ। बस इसी तरीके से साइड पर रख दीजिए। तो ये मैंने सारे बना लिए हैं, आप चाहें तो अब इस समय आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। साइड बाय साइड मैं यहाँ पर जब वो फ्रिज में है तो दो अंडे फोड़ लेती हूँ एक प्याली में डालकर। 3-4 टेबलस्पून दूध डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए थोड़ा सा, और बहुत अच्छे से फेंट के इसे साइड पर रख दीजिए। आधे घंटे के लिए जो फ्रिज में रखा था उसे निकाल लीजिए, अंडे के अंदर अच्छे से लोटिए इसे, और फिर ब्रेड क्रम्स में बहुत अच्छे से इस तरीके से कोट कीजिए। साइड्स को नहीं करना है अभी, हाँ बस पहले बीच का कीजिए। अब क्या कीजिए, अब इसे साइड्स को अंडे में अच्छे से डालिए, और ये मैंने साइड पर रखे हैं सेवियाँ, हल्की सी हाथों के मदद से क्रश कर ली थी मोटा मोटा। अब इसे इस तरीके से आप हाथों में लीजिए और इस तरीके से लगाते जाइए। ये देखिए, तो क्या बढ़िया सा
खूबसूरत लगने वाला, ये देखिए नीचे से भी अच्छे से कोट, अंडे में डालिए और अच्छे से वेल कोट कीजिए सेवियों में, तो आप देख सकते कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अच्छा आपको लगे कि अंदर से सी थ्रू साइड से दिख रहे हैं, तो फिर से अंडे के अंदर डालकर, फिर से आपने सेवियों के अंदर डालकर इसे अच्छे से वेल कोट कर दीजिए कि हमारा अंदर का जो है चिकन उस तक ये कुछ दिखना नहीं चाहिए, तो वो बराबर से हमारा प्रॉपरली सील हो जाएगा ना। इसी तरीके से सारे बना लीजिए। अभी आपको फ्राई करना है तो आधे पौने घंटे के लिए फ्रिज में रहने दीजिए, और अगर आपको अभी फ्राई नहीं करना है और आपको फ्रीज करना है तो एक डेढ़ घंटे के लिए फ्रीजर में रख दीजिए। अच्छा ये आप देख सकते हैं दो मेरे पास सेवियां नहीं थी तो मैंने दो को डायरेक्टली फिर से उसमें ही कोट कर दिया ब्रेड क्रम्स में। मैं इसे स्टोर कर रही हूँ तो एयरटाइट कंटेनर में नीचे पहले तो ये लगा दीजिए बटर पेपर, उसके बाद लाइन से एक तरीके से ये लगा दीजिए हमारे जो चिकन चीज रोल्स हैं, उसके बाद फिर से बटर पेपर लगाकर फिर से एक लाइन लगा दीजिए इसकी, और फिर से ढक कर एकदम एयरटाइट कंटेनर में फ्रीजर में रख दीजिए ढककर। एक महीने तक आप रख के इसे खा सकते हैं। मैं नेक्स्ट डे फ्राई कर रही हूँ तो एक कढ़ाई के अंदर तेल डाल दीजिए, चूल्हा अच्छा गर्म हो जाए फास्ट आंच पर तो मीडियम आंच कर दीजिए चूल्हे को, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर तीन चार एट अ टाइम डाल दीजिए रोल्स को और इन्हें मीडियम आंच पर फ्राई करें। आप चाहें तो मीडियम आंच से थोड़ा सा हल्का नीचे रख सकते हैं आंच को, कि हमें ये है कि क्रिस्पी भी हो और चिकन तो पक चुकी है बाय द इसके अंदर तो, लेकिन वो जो अंदर की चीज़ है वो भी तो मेल्ट होनी चाहिए ना, तो इसके लिए आप चाहें तो हल्का सा मीडियम से स्लो कर सकते हैं, मीडियम से हल्का नीचे हाँ, लेकिन आप चाहें तो मीडियम पर भी रख सकते हैं। जब आप देखें कि लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए और क्रिस्पी लग रहे हैं आपको, करारे लग रहे हैं, तो इन्हें निकाल कर साइड पर रख दीजिए छन्नी के ऊपर, टिश्यू पेपर के ऊपर मत रखिएगा नहीं तो सॉगी हो जाएंगे, नरम पड़ जाएंगे, और इन्हें इसी तरीके से बैचेस में फ्राई कर लीजिए मीडियम आंच पर। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ क्या क्रिस्पी बने हैं, आवाज सुनिए क्या क्रिस्पी है माशाल्लाह, और मैं आपको एक तोड़कर भी दिखा देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्या चीज उज आउट हुआ है माशाल्लाह, क्या लग रहा है चीज एकदम अच्छा। हम ज्यादा चीज खाते नहीं है तो मैंने पतली स्ट्रिप डाली थी, आप मोटी भी डाल सकते हैं। अच्छा इसमें ये वाली रेसिपी में जो भी मिर्च डाली गई है, काली मिर्च और ये जो भी स्पाइसेस ज्यादा डाले गए हैं वो अपने स्वाद अनुसार एडजस्ट कीजिए मिर्च को, और ये बन गए हमारे बढ़िया से चिकन चीजी ब्रेड रोल्स खाने के लिए रेडी। सो कैसी लगी आज की रेसिपी, है ना मजेदार। अच्छा जो चटनियां वगैरह की रेसिपी लिंक्स है ना मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगी, आप वहां चेक कर लीजिएगा, और रेसिपी अच्छी लगी ये वाली तो जरूर कीजिए ये वाली वीडियो को लाइक, और बहुत ज्यादा अच्छी लगे अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इसके लिंक जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा, और अगर आप बनाए तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। फिर से हाजिर होंगे एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ या फिर ब्लॉग के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।